फिल्म कुली नंबर वन 1 मई 2020 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिल्म कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते टलते जा रही है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है और भारत में भी इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा वायरस के चलते देश में करीब 3 महीने का लॉकडाउन था, जिसका असर फिल्म इंडस्ट्री समेत कई उद्योगों पर पड़ा। इस दौरान ना ही फिल्मों की शूटिंग हो सकी और ना ही फिल्में थिएटर तक पहुंच सकी। फिल्म कुली नंबर वन एक जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार फिल्म कुली नंबर वन इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज़ होने वाली है। जी हां, फिल्म मेकर का कहना है कि दिवाली एक बड़ा अवसर है जिसे हम अपनी फिल्म को रिलीज़ कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म को थिएटर खुलने तक रोका जाने वाला था, मगर मौजूदा हालात देखते हुए सिनेमाघर खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म को सीधे डिजिटल रिलीज़ कर रहे हैं। थिएटर ना खुले होने पर फिल्म को पहले ही मई से अगले साल फरवरी में शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब भी स्थिति सामान्य होना मुश्किल लग रहा है। आलिया भट्ट की सड़क 2 की कुछ दिनों की शूटिंग बाकी है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम होना है। ऐसे में उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगस्त के आखिरी शुक्रवार तक रिलीज़ किया जा सकता है। भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया और अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब को बड़े बजट में खरीदा गया है, जिसके बाद अब कुली नंबर वन को भी OTT पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों के बीच तीसरा बड़ा ऑफर मिला है। वहीं अक्षय कुमार ने कहा कि 20 साल के करियर में इतने दर घर पर रहा, इतने दिनों में तो मैं डेविड धवन के साथ मिलकर 2-3 पिक्चर बना लेते हैं। बहरहाल, इस ज़िंदगी का भी अपना मज़ा है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।